सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास सेवन्थ की वर्कशीट है, विषय है विज्ञान। 19 फरवरी 2021 की वर्कशीट है, टॉपिक है पादपों में पोषण, मृतजीवी एवं मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर वन है बच्चों, वह पादप जो सड़े गले और मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वह मृतजीवी कहलाते हैं, क्योंकि देखिए सड़े गले और मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। सेकेंड है, वह जीव जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं उसको हम क्या कहेंगे, राइजोबियम। राइजोबियम पर टिक कर लेंगे। थर्ड है, मिलान करें स्तंभ वन को स्तंभ टू से, ठीक है। तो देखिए मशरूम क्या है, इसे हमने इससे मैच कर लिया, ये क्या है पहला यहाँ लिख देंगे मृतजीवी है। लाइकेन क्या है बच्चों, ये शैवाल और कवक है, इसे दूसरे से मिला देंगे। तीसरा दाल क्या है, दाल है फलीदार पौधे, यहाँ हमने थर्ड लिख दिया। फोर्थ पादप पोषक क्या है, पादप पोषक है नाइट्रोजन, इसे हमने यहाँ फोर्थ से मैच कर दिया। और फिफ्थ क्या है बच्चों, सहजीवी संबंध, इसे हमने इससे मैच कर दिया। सहजीवी संबंध मतलब वह जीव जो एक साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषक तत्व साझा करते हैं। अब यहाँ पर हम ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद पढ़ने के पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपने आवास एवं पोषक तत्व की साझेदारी करते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों के जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, सहजीवी संबंध में रहने वाले जीव किस प्रकार एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। तो इसका हम यही आंसर लिख देंगे पूरा, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपने आवास एवं पोषक तत्व की साझेदारी करते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों के जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। इतना आप लिख देंगे आंसर। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव है, उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर कवक के बीजाणु जैव पदार्थ पर अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं, किस प्रकार के, नम एवं उष्ण। यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, ये वाला लिख लेंगे, नम एवं उष्ण, ठीक है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।